Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today we are going to do how to calculate mean deviation in discrete series from mean as well as from median. So without wasting any time, let's get started. इससे पहले मैंने मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, उसका भी एक वीडियो बनाया है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज हमारी कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज हमारी वो सीरीज होती है जिसमें हमें वेरिएबल एक्स गिवन होता है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है दोनों. मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में? मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, दैट इज समेशन एफ बार डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ओवर एन. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दैट इज समेशन एफ बार्स डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर एन. दिस इज फ्रॉम मीडियन एंड दिस इज फ्रॉम मीन. ओके, सो एक क्वेश्चन लिया है मैंने कि देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन एंड देयर कॉफिशियंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अब हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है मीडियन से भी और मीन से भी, और उनके कॉफिशियंट निकालने हैं. तो ये एक्स गिवन है हमें 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है इसे मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है सॉल्यूशन के लिए. तो सबसे पहले हम मीडियन से कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन. ठीक है, तो देखो मीडियन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. मीडियन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ एन प्लस वन ओवर टूथ आइटम. इससे हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. यहाँ पे मीडियन में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट वाली तो सेम आ जाएगी 8, देन नेक्स्ट आ जाएगी 8 प्लस 12, ये आ जाएगी 20. 20 प्लस 20 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50, 50 प्लस 6 इज 56 एंड 56 प्लस 4 इज 60. जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी 60 आएगा. इसको n इज इक्वल टू 60 भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो है हमेशा मैच करेगा. अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो इट मीन्स आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है. तो हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है. अब फॉर्मूला लगाएंगे हम मीडियन का. देखो साइज ऑफ, अब n हमारा कितना है? n है हमारा 60. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 60 प्लस 1 ओवर 2th आइटम. साइज ऑफ 61th ओवर 2th आइटम. तो ये जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे साइज ऑफ 30.5th आइटम. ठीक है, अब ये 30.5th आइटम लेनी है तो हम क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 30.5th आइटम कहाँ आएगी. 20 में तो आ नहीं सकती है, तो इसी में आएगी 40 के अंदर ही. तो जब हम देखेंगे ऐसे तो हमें x में देखना है, तो x कितना है इसके सामने? 40. तो इट मीन्स हमारा जो मीडियन आया है वो कितना आया है? 40. मीडियन हमारा 40 आ गया है. अब हम डेविएशन लेंगे किससे? मीडियन से. देखो मीडियन 40 आ चुका है. अब हमें क्या करना है, हमें मीडियन हमारा 40 आ गया है, हमें डेविएशन लेनी है मीडियन से. वो हम कैसे लेंगे? देखो डी एम इज इक्वल टू एक्स माइनस एम. अब x ये है हमें गिवन और हमारा मीडियन आया है 40, तो हमें बस माइनस करना है. और ये बार्स हमें गिवन है, बार्स का मतलब होता है हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन बिल्कुल इग्नोर करने हैं. सो फर्स्ट इज 20 माइनस 40 इज माइनस 20 होता है, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि इन बार्स की वजह से हमें नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को इग्नोर करना है. तो सिंपल हम 20 लिखेंगे. 30 माइनस 40 इज 10, 40 माइनस 40 इज 0, 50 माइनस 40 इज 10, 60 माइनस 40 इज 20, देन 70 माइनस 40 इज 30. ठीक है, ये हमारी डी डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गई. अब हमारे फॉर्मूले में हमें फ्रीक्वेंसी के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आ जाएगा एफ बार डी एम. तो फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 160, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 120, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 120. ठीक है, तो हमें इसका क्या चाहिए? टोटल चाहिए. तो समेशन एफ
dm इज इक्वल टू, तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 620। ठीक है, अब हमारा n भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन f बार्स dm ओवर n। अब ये हमारा कितना आया है, मैंने अभी आपको बताया है, ये आया है हमारा 620। तो 620 ओवर n हमारा कितना है, n है हमारा 60। ठीक है, इसे समेशन f भी बोलते हैं और n भी बोलते हैं, तो ये 60 आ जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा 10.33। ठीक है, अब हम कॉफिशियंट कैलकुलेट करते हैं, कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्योंकि हमने मीडियन से कैलकुलेट करा है। तो देखो कॉफिशियंट हमारा कितना आएगा, हमारा फॉर्मूला होता है इसका कॉफिशियंट का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर मीडियन। तो मीन डेविएशन हमारा कितना आया है 10.33 और मीडियन हमारा कितना था, मीडियन था हमारा 40। तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.258। ओके, तो ये हमारा आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे भी यहां पे भी लिख लेना है, दैट इज 20, 30, 40, 50, 60, 70। वही वाले क्वेश्चन को हमने बिल्कुल वैसे ही लिख लिया है और इसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख ली है, फ्रीक्वेंसी है हमारी 8, 12, 20, दैट इज 10, देन 4, देन सॉरी देन 6, देन 4। ठीक है, इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। इसको हम समेशन एफ भी बोलते हैं, 12, 20, 10, 6, 4। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है मीन, तभी हम डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मीन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा ये देखो, अब मीन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर एन। अब क्या करेंगे हम, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एफ एक्स बन जाएगा हमारा। तो देखो हमने जब इसे मल्टीप्लाई करा, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 160, 30 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 360, 40 इंटू 20 इज 800, देन 50 इंटू 10 इज 500, 60 इंटू 6 इज 360, देन 70 इंटू 4 इज 280। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए समेशन एफ एक्स, जो हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2460। ठीक है, अब बस हम इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए, 2460 ओवर हमारा एन कितना है 60, क्योंकि हमने कैलकुलेट करा था, ये देखो एन है हमारा 60। तो ये आ जाएगा, हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा 41। ठीक है, अब हम डेविएशन लेंगे मीन से, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे मीडियन में किया था। तो हमारा मीन आ चुका है 41, अब हम डेविएशन लेंगे बार इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, मीन से लेंगे डेविएशन, हम एक्स से वो करेंगे, 20 माइनस 41 इज, ये हमारा माइनस 21 आता है, लेकिन हम ये बार्स की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को इग्नोर करेंगे। 30 माइनस 41 इज 11, 40 माइनस 41 इज 1, बिल्कुल ऐसे ही माइनस करते जाएंगे। 50 माइनस 41 इज 9, 60 माइनस 41 इज 19, देन 70 माइनस 41 इज 29। ठीक है, अब हमारी डेविएशन आ गई है, अब हमें इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, जो हमने डेविएशन कैलकुलेट करी है इसको हम इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 168, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 132, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 90, 6 मल्टीप्लाई बाय 19 इज 114, 4 मल्टीप्लाई बाय 29 इज 116। हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए समेशन एफ
बार टी एक्स इज इक्वल टू, जब हमने इन सबको टोटल करा तो ये आ गया हमारा 640। ठीक है, अब हमें बस इसे फॉर्मूला में पुट करना है। देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फॉर्मूला है हमारा समेशन एफ बार एन, तो ये हमने अभी कैलकुलेट करा है कितना आया है 640। देखो ये हमारा 640 आया है और हमारा एन कितना है 60, तो देखो 640 ओवर 60, तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.67 मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो अब हम कोफिशियंट निकालेंगे, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा इसका कोफिशियंट, देखो दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर मीन, तो कितना आया है 10.67 हमारा मीन डेविएशन आया है और हमारा मीन कितना आया था 41, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.26। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो हमारा आया है दैट इज 10.61 आया है और कोफिशियंट इतना आया है, और यहाँ पे मीडियन से हमारा आया था, मीडियन से हमारा, हमने अभी मीडियन से कैलकुलेट करा है, सॉरी मीडियन से हमारा आया था 10.33 और मीन से आया है 10.67, तो 10 तो सेम ही रहेगा लेकिन पीछे की फिगर जो है वो वेरी कर सकती है, ऐसे ही कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन में भी होगा, थोड़ा सा डेसिमल के बाद की फिगर जो है वो वेरी कर सकती है। ओके सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा, इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।